जीतेगा, लेकिन भारत जीतेगा। भाई नंबर रावत जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद, नाम दिन जी जीतेगा, भाई जीतेगा, लेकिन भारत जीतेगा। पटला विधानसभा के बलराम गांव में मौजूद हूँ और देखिए चुनावों का समय चल रहा है, न केवल प्रत्याशी बल्कि उनके परिजन भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत की धर्म पत्नी मोनिका रावत यहाँ पर आई है महिलाओं के बीच में और आप देखिए जोश यहाँ पर देखते ही बन रहा है। नैनपाल रावत को तो वोटों के आश्वासन के साथ साथ नोटों की माला मिल रही है, लेकिन मोनिका रावत के गले में भी आप देख सकते हैं कि लोगों में जो जोश है, महिलाओं में वो जो जोश नजर आ रहा है उसे आप देख सकते हैं। मोनिका जी आज आप चलेगी कैची, अभी चलेगी। मोनिका जी आज इतनी सारी महिलाओं के बीच में आप मौजूद हैं यहाँ पर, आप भी लगातार जो है पत्नी धर्म निभाते हुए लगातार प्रचार कर रही हैं, क्या कितना सपोर्ट मिल रहा है? ये आप देखिए सारी मेरी मातृशक्ति यहाँ खड़ी हुई है, मेरे को पूरा समर्थन दे रही है। 5 साल विधायक रहे नैनपाल रावत जी और 5 साल में कई बार कमियां भी रह जाती हैं, तो कोई गिला शिकवा भी किया इन्होंने? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं किया है। जो नेताजी ने इनको मान सम्मान दिया है और सबको छत्तीस बरादरी का जो नारा दिया उसके हिसाब से इन्होंने सभी को जो नेताजी ने गले लगाया है, तो इस बात से नेताजी की सभी बहुत खुश है जी। चलिए और कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि गाँव की महिलाएं चाहे चुनाव हो या कोई भी मौका हो मुखर होकर बोलती है, अम्मा क्या नाम है? राजवती। क्या लग रहा है इस बार मोनिका रावत बीच में आई है आपके? हाँ बोलो बोलो शर्मा। बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया। अच्छा नैनपाल रावत ने 5 साल काम किए कि नहीं किए? काम करेंगे, अभी करेंगे। कैंची चलेगी? खूब चलेगी, चलेगी जी। हाँ चलेगी जी, कैंची खूब चलेगी, चलेगी खूब चलेगी। हमें भी नौकरी लगाई है, बोल दी हमने, आप बोल देंगे जब। अच्छा अच्छा बहू है आपकी यहाँ गांव की, पैर वैर ढंग से दबाए नहीं? दबाए, अरे हमने तो खूब दबाए, हार के दावा दावा पे तुमने ना दबाए होंगे, तुम्हारे तुम्हारे दबाए कि नहीं दबाए? वो दबाए खूब खूब। नैनपाल रावत क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत सारे लोग हैं। बढ़िया माहौल है, बढ़िया बढ़िया माहौल है। आप बता दो पहले, मोहल्ले लेने पर बताओ बताओ, वोट तो डालती हो ना? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ऐसा हाँ। नेता कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढो भी नहीं मिलेगा। हाँ जैसा नेता बेटा आई हूँ, बहुत बेटा। नैनपाल रावत ने काम किए 35 बिरादरी इनको बेटा है, और जो बाकी खड़े है सबको जी, नहीं जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो बाकी और है चाहे बीजेपी से, वो जाने जी, हमारे नहीं आता ही नेता, 36 बिरादरी को बेटा आई सबको। हम पिछली बार टिकट काट दी थी फूल वालों ने, बीजेपी वालों ने, उनने भी काट दी, जब भी काट दी अब भी काट दी, 36 बिरादरी को बेटा टिकट काट दी तो कहा है कट जान दे, जनता ने तो ना काटी, अब भी जनता जिताएगी, जब भी जनता ने जिताया। जब भी टिकट की जरूरत है जीतने को कि नहीं? जब बीजेपी ने टिकट काटी तब भी नैनपाल रावत फुल बहुमत से जीत गया, और आज भी फुल बहुमत से जीत गया। जो 5 साल में नैनपाल रावत ने काम किए हैं वो आज तक किसी भी विधायक ने किए, हमारे अंदर विधायक की बहुत अहमियत है, तो हम हर हालत में जिता के लाएंगे, और सभी जनता का समर्थन है उनके साथ। 36 बरादरी का, 36 बरादरी का यही नारा है, नैनपाल रावत जिंदाबाद। क्या माहौल है गाँव में? अजी खूब बढ़िया माहौल है, और सगरे वहाँ में क्षेत्र में हल्का में, और खूब बढ़िया काम करे, जीतेंगे जी, लग रहा है जीतेंगे, जैसे पहले जीते वहाँ से भी ज्यादा जीतेंगे। चलो एक अम्मा, अम्मा आप कितनी उम्र हो गई? बोल दो बताओ, उम्र नहीं पता। कैसे नैनपाल रावत गले में डाल रखे है? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। मिले हो नैनपाल रावत से? तो बहू से मिले हो कि नहीं? मिली हो? ठीक लगी कि नहीं लगी? लगी बढ़िया है। तो क्या लग रहा है नैनपाल रावत जीतेगा कि नहीं जीतेंगे? जीतेगा, जीतेंगे। ठीक है चलिए, और कुछ महिलाएं हैं मैं पूछ लेती हूँ। और देखिए पिछली बार नैनपाल रावत के चुनाव में जितनी महिलाओं ने जो है उनको प्रोत्साहित किया था, क्या नाम है आपका? राजेश। क्या पिछली बार मैंने देखा था, मैं लगभग 104 गांव में गई थी, और वहां पर महिलाएं जो एक बहुत ज्यादा उम्र की, मेरे ख्याल 80-90 साल की होंगी महिला, और वो कह रही थी मरूंगी तब जब हेलीकॉप्टर पे जाऊं,
पहुंचाऊंगी चंडीगढ़। इस बार लग रहा है कमी आई है या उतना ही जोश है? नहीं, अभी तो उतना ही जोश है। और जो हमारे नैनपाल रावत जी हैं वो सभी का इतना सम्मान करते हैं, ऐसा नेता कोई भी नहीं करता जैसे ये सम्मान करते हैं। और कहीं जाते हैं तो कोई नेता ऐसा अभाव नहीं करता जैसे ये करते हैं, और जितना इन पे बना वैसा कूप किया भी काम। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, रघुवीर तेवतिया भी यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे, टेकचंद शर्मा भी विधायक रहे, अब भाजपा के प्रत्याशी हैं, और नैनपाल रावत 5 साल देख लिया, तो क्या अंतर तीनों में नजर आता है आपको? ऐसा जी, और नेताओं के पास जाते थे और बोल देते हैं अभी मेरे पे टाइम नहीं है, 2 घंटे बैठ जाएंगे वेट करेंगे। अगर नैनपाल जी के वहाँ जाते हैं तो अपना खाना भी छोड़ के, खाने की थाली वापस रख के, पहले अपनी बिरादरी वाले से और ये हल्का के लोगों से आके कौड़ी भर के मिलते हैं, पैर दबाते हैं, इतना सम्मान करते हैं घर पे जाने के बाद कि ऐसे कोई नेता नहीं करता। इनका आज ये सम्मान ही छत्तीस बिरादरी को एक जुट कर रहा है। अम्मा तुम भी बता दो कुछ, वोट है ये बताओ। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, आज बताना पड़ेगा अम्मा, वोट है कि नहीं है? वोट है बहन जी, अम्मा तो कोरोना मार को हमारी अम्मा वोट है। क्या क्या लग रहा है नैनपाल रावत का, क्या लग रहा है नैनपाल रावत का, आज इनकी धर्मपत्नी भी आई है, क्या लग रहा है? मैं तो वोट दे दूंगी, ना जानू नैनपाल रावत बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया कह रहे अम्मा, बढ़िया लगे, खूब बढ़िया, खूब जी हाँ खूब देंगे। ऐसा तो नहीं तुम्हारे कहने से कह रही हूँ अम्मा की बढ़िया लगे ना, हमारी सास हुए हम किंग ऐसे करेगी। अच्छा हाँ। बहू की पूरी चलेगी उनके कहने पे, चलना पड़े है, चलना पड़े। अच्छा देंगे कहाँ, आपकी भी बहू कह रही है नैनपाल रावत पे वोट डालने के लिए? वोट देंगे, सबकी बहू कह बेटी सही जी जाओ बेटा। सास चाह रही है, सास ने भी बहू से कही है कि वोट डालो नैनपाल को कि नहीं? सास भी कहे बहू से, बहू भी सास से कहे। एक एक बात पे सास और बहू दोनों राजी हो रही है, राजी है। 1 लाख से पार होगा भैया, 1 लाख से पार होगा। कितनी उम्र है अम्मा? 60-70 अम्मा। अच्छा क्यों क्यों 1 लाख पार क्यों जाएगा नैनपाल रावत, क्यों जाएंगे? क्यों भैया? अपनी मजदूरी को हम सब काम वाम किए हैं, काम हम वो पता नहा बेटा कर अच्छे काम किए, अच्छे काम किए। आशीर्वाद दिया कि नहीं यही बता दो, तुम्हारा आशीर्वाद है भैया? आशीर्वाद है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पर, हाँ जी नैनपाल रावत खूब जीतेंगे, पर मेरी तो पेंशन बढ़वा दी है। तो वो धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी होगी हर पति मान। जिंदाबाद नैनपाल रावत, जिंदाबाद नैनपाल रावत। मोनिका जी यहाँ सास और बहुएं दोनों की एक सहमति नैनपाल रावत को है, लेकिन कोई नौकरी की आस पर है, कोई पेंशन की आस पर है, और कहते हैं कि पत्नियों की बात कोई नहीं टालते हैं। तो ये सारी महिलाएं हैं, इनको आश्वासन देंगी कि इनकी समस्याओं का समाधान आप उनसे करवाएंगे नैनपाल जी? बिल्कुल, 2019 में नेताजी को 2.5 साल कोरोना रहा और 2.5 साल का टाइम मिला, तो काम कुछ थोड़े रह गए हैं, लेकिन अब की बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर इन्होंने हमें 2024 में चंडीगढ़ पहुँचाया, हमें विधायक बनाया, तो 5 साल पूरे काम करेंगे, और जिसका नौकरी का, सड़कों का, जितना भी जो काम है, मैं इन लोगों को अपनी मातृशक्ति को ये आश्वासन देती हूँ कि इनके काम पूरे कराएंगे। कह रही है, मान रही हो या यूं लग रहा है यूं आई है तो कह के जाएंगे? कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हम लोग जिताएंगे जी, इनको जिताएंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हम गांव में पहुंचे हैं और यही माहौल लगभग हर गांव का नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर अब पुरुष मतदाता ही नहीं, महिला मतदाता, युवा मतदाता भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, और आज जिस तरह से महिला शक्ति तमाम आज यहाँ पर एकजुट हुई है, और मोनिका रावत से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि जोश इन महिलाओं में देखने को मिल रहा है। कैंची पर बटन दबाएं ये आह्वान केवल खुद अपने साथ साथ औरों से भी करवा रही हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि पृथला विधानसभा में एक बार फिर जो निर्दलीय हैं वो अन्य प्रत्याशियों पर भारी पड़ते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।